हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th वालों को मैथ बताते हैं। क्या बताते हैं? मैथ बताते हैं। मैथ में देखिए क्या आपको बताना है, वो सिखाना, वो हम आपको धीरे धीरे आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए आज मैथ में हम मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल सीखते हैं। किस तरह सीखते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा, दो सूत्र है। कौन सा सूत्र? मूलों का योगफल। देखिए सूत्र है, यही सूत्र आप याद रखेंगे, इसी पर सवाल लगाएंगे, एग्जाम में 100% मूलों का योगफल। देखिए मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल, ठीक है, मूलों का योगफल इसको अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। देखिए आपका एक सूत्र तैयार हो गया। देखिए नंबर सूत्र नंबर दो, मूलों का गुणनफल क्या कहेंगे? मूलों का गुणनफल, ठीक है, मूलों का गुणनफल। मूल गुणनफल क्या होता है? अल्फा इनटू बीटा बराबर सी अपान ए। देखिए ये दो सूत्र आपके लिए रामबाण है। अगर आप अच्छे मैथ में नंबर लाना चाहते हैं तो जरूर दोनों को याद कर लीजिए। अदरवाइज कोई बात नहीं, योर लाइफ इज योर लाइफ, आपका जीवन आपका है, आप चाहे जैसे को बनाइए, आप चाहे जैसे भी गए, मेरा कहने का अर्थ है। अब हम इस पर ज्यादा बहस ना करते हुए आपको हम सवाल लगा के दिखाते हैं कैसे इस पर सवाल आता है। देखिए आपको ऐसे एक इक्वेशन देगा, 3x² माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0, ठीक है। मैं मूल एक दोनों से एक पूछेगा, मैं मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा? मैं मूलों का जैसे योगफल, मूलों का योगफल, योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहां लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल 3x², इसको उतार लेंगे। देखिए इतना जो चीजें हैं इसको आप उतार लेंगे, उतार ले 3x², ठीक है, माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0 को, ठीक है, को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, मैं तुलना करने पर लिख दीजिए, मैं तुलना करने पर, ठीक है, दिखाई दे रहा। देखिए यहाँ x, देखिए दोनों बराबर, देखिए दोनों x बराबर है तो a बराबर 3 हो गया, ठीक, b बराबर आपका क्या हो जाएगा? b बराबर माइनस 5 हो गया, देखिए b के मान देखिए है ना, और c बराबर देखिए आपका 7 हो गया, 7 हो गया, नहीं हो गया पूरा। उसके बाद देखिए हम आगे इधर लगा देते हैं, लेकिन जगह नहीं दिखा, नहीं बड़ा, देखिए यहाँ लगा देते हैं तो c बराबर 7 हो गया। अब क्या करेंगे? हमको मूलों का योगफल ज्ञात करना है, तो मूलों का योगफल का सूत्र यह है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, बी अपान ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बी का वैल्यू कितनी है? माइनस 5 है, तो माइनस माइनस 5 ले लिए, ए की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3 ले लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए ये माइनस में आपने प्लस हो गया, प्लस 5/3, देखिए ये आंसर हो गया, अल्फा प्लस बीटा 5/3, देखिए आपका ये आंसर हो गया। देखिए बहुत आसान है, नहीं है एकदम। अब देखिए अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस तरह से देता है कि आपको व्युत्क्रम बताइए, मूलों के योगफल का व्युत्क्रम बताइए, जैसे इसी में दे दिया कि मूलों का योगफल का व्युत्क्रम बताइए, तो व्युत्क्रम करने के लिए क्या करिए? मूलों का योगफल निकाल के इसको अगर व्युत्क्रम अगर यहाँ पूछ रहा है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो इसी चीज को उलट दीजिएगा। क्या करेंगे? प्लस है तो मूलों के योगफल में व्युत्क्रम पूछ रहा है, इसको 3/5 कर दीजिएगा, ठीक है, इसको पलट दीजिएगा, व्युत्क्रम, सॉरी देखिए व्युत्क्रम, इसको पलट दीजिएगा तो आपको व्युत्क्रम हो गया। अगर मान लीजिए इसी में देखिए, अगर आपको इसी क्वेश्चन में अगर वो कुछ और पूछ रहा है, जैसे मूलों का योगफल में मूलों के योगफल के स्थान पर आपको ये पूछ रहा है कि 1/α + 1/β का मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे? इसको देखिए हल कर लीजिएगा, किस तरह? अल्फा प्लस बीटा, ये तिरछा उड़ा कर दीजिए, तिरछा, अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा इनटू बीटा कर दीजिएगा। क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा कर दीजिएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना आया, 5/3, यहाँ 5/3 लिख दे रही है, बटे देखिए सी अपान ए, दूसरा का मूलों के ऊपर अल्फा बीटा है,
तो अल्फा बीटा ले लीजिए सी अपान सी के साथ मान सात बटे तीन, ये कह देंगे सात बटे तीन। ठीक है, अब देखिए तीन तीन से कट जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पांच बटे सात के अंदर हो जाएगा। देखिए ये बोर्ड में कई बार आया है, ये बोर्ड में कई बार आया हुआ है, इसलिए हम आपको कई बार बता दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम कुछ आपको सवाल भी दे देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद आप उस सवाल पर उस सवाल को लगा डालिए। आप लगाएंगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी आप करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर एक, आप दोनों निकालिए मूलों के योगफल, गुणनफल दोनों निकालिए, दोनों से सीखिए, दोनों का करिए, इसको भी ऐसे करके रखिए, देखिए तब आपका आएगा। मान लीजिए 3x² - 9x - 7 = 0। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 4x² - 7x + 9 = 0। 3 में 5x² - 9x + 1/2 = 0। क्वेश्चन नंबर 4 2x² - 5x - 1 = 0। क्वेश्चन नंबर 5 2x² - x - 1 = 0। देखिए आपको दिखाई दे रहा नहीं, अगर दिखाई दे रहा तो वाह वाह, न दिखाई दे तो भाई कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा है भाई फिर आप फिर पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है कि नहीं ठीक है? देखिए वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करते, बहुत इजी है, इसलिए हम आपको बहुत जल्दी बता रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरे चैनल में मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिए, फिर से हम आपको तो वीडियो बनाएगा आपको भेजेंगे। लेकिन आप पहले पहले पढ़िए। देखिए आप लोग कोई कमेंट में कभी नहीं करते, ना कमेंट कोई करता है, ना मेरे सवाल कोई लगाकर भेजता है, तो भाई आपको क्या पता है, क्या समझे कि आप लोग को आ रहा है नहीं आ रहा। इसे लगता है कि हम तो भाई आप लोगों के सामने फालतू के चिल्ला रहे हैं, हम तो भाई हमें तो शौक है, हमें तो भाई पढ़ाने का बहुत शौक है, इसलिए हम देखिए शौक से पढ़ा रहे हैं। और ये तो नहीं है कि हमें बहुत यूट्यूब से कुछ मिल रहा है, कुछ तो मिल तो नहीं रहा, भाई नए नए सब्सक्राइबर है इसलिए हमको ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अगर हमें गुरुदक्षिणा देना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अदरवाइज कोई बात नहीं, फ्री का ज्ञान वो आएगा नहीं, देखो पक्का बता रहे हैं, जो फ्री में पढ़ना चाहता है उसको कुछ आएगा नहीं, क्योंकि या तो आप हमें फीस दीजिए या तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, आपका आपका भविष्य आपका रहे। अगर आप यूपी बोर्ड का एग्जाम में दे रहे हैं, आई प्रे फॉर द गॉड फॉर यू, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके 90% 80% जितना भी आप ला सके उतना लाने का प्रयास करें। लेकिन ये मैं 100% बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार हम आता है आया, इसके बाद हम आपको उसकी ट्रिक बताने जा रहे हैं। अब जैसे क्या बताएंगे आपको मालूम है, देखिए हमने उसके पहले भी वीडियो बनाया, हमने प्ले लिस्ट में डाला है, आप मेरे मैथ को देखना चाहते हैं क्लास में देखें। अब हम जा रहे हैं बस क्या बताएं, अंत और प्रातः का ट्रिक बताएंगे, उसके बाद फिर समरूप त्रिभुज का एक के बाद एक हमारी वीडियो लगी रहेगी। ठीक है, दिन भर में मैं 25-30 वीडियो को इसे बना बना के आपको भेजते रहेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।